हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि हरियाणा जब से बना है पहली बार हरियाणा पुलिस को प्रेसिडेंट कलर मिला है। यह बहुत ही बड़ी उपलब्धि है और यह कलर प्रदान करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी आगामी 14 फरवरी को करनाल में आ रहे हैं। श्री विज आज पानीपत में पत्रकारों द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब दे रहे थे। राज्य के बजट के संबंध में पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि हमारी सरकार जनता हित की सरकार है और हर वर्ग के हक का बजट प्रस्तुत होगा। अस्पतालों में ड्रेस कोड के संबंध में पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने बताया कि अस्पतालों का स्वरूप सुधारना चाहिए। अब पता नहीं लगता अस्पताल में कौन मरीज है, कौन कर्मचारी है और कौन डॉक्टर है। उन्होंने कहा कि जब सभी की यूनिफॉर्म होगी, डॉक्टर, नर्स, लैब सहायक, अन्य स्टाफ की यूनिफॉर्म हमने डिजाइन करवाई है, तो मरीजों को भी देखकर लगता है कि मैंने अपनी बात किसको कहनी है। उन्होंने कहा कि इससे बहुत ज्यादा अनुशासन आएगा और बहुत सुधार होगा। हरियाणा जब से बना है पहली बार हरियाणा पुलिस को राष्ट्रपति कलर मिला है। इसके वो कलर प्रदान करने के लिए ये बड़ी बात है। वो प्रदान करने के लिए 14 तारीख को करनाल में सर राहुल गांधी बार बार सवाल उठा रहे हैं मोदी जी की, सवाल का जवाब देंगे तो क्या कहना चाहेंगे राहुल के सवालों के? सर और राहुल सारा दिन उलझ उलझ बोलता रहेगा, हर बात का जवाब थोड़ा दिया। मंत्री जी जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है राहुल पहले उसको समझो। दोनों दिन जो लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी जो 80-85 मिनट वो बोले हैं पहले उसको तो समझो। मंत्री जी सिंह वाले मैटर में गिरफ्तारी पत्रकारों के ऊपर मुकदमे दर्ज हो गए तो ये तो लोकतंत्र का गला घोटने वाली बात होगी। पानीपत में पत्रकारों के ऊपर मामले दर्ज। इस यात्रा के बाद सर कह रहे राहुल मैच्योर हो गए, अच्छी ठीक पॉलिटिक्स कांग्रेस में बदलाव आ रहा है। सर राहुल गांधी आया और चला गया, यात्राएं पहले भी निकली है। जेपी का युग हमने देखा, जेपी जब चलता था ना जयप्रकाश नारायण तो धरती हिलती थी। अब वो आया और चला गया, एक कुत्ता भी नहीं घूमता, किसी ने देखा भी नहीं, हमने तो कहीं उसका मंत्री जी पुलिस की छवि सुधारने के लिए सिंघम जैसे जो पुलिस कर्मी है वो अच्छा काम कर रहे हैं उसके ऊपर फिर एक्शन। जनता दरबार में हाँ जी पहुंचे थे, एसआईटी का गठन करा था और उसने कुछ लोगों पर पैसे लेने का आरोप लगाया जी, तो मैंने उसकी एसआईटी गठित कर दी। उसके बावजूद भी गिरफ्तारी अदर देन पानीपत जिला से वो बनाई जाएगी जी और वो जांच करेगी। लेकिन पत्रकारों के ऊपर मुकदमे दर्ज हो गए सर, पत्रकारों नहीं होना नहीं होना चाहिए तो इसके ऊपर एक्शन लोगे आप? हां जी उसके बारे में सर क्यों जरूरत पड़ी है? देखिए अस्पतालों का जो स्वरूप है वो सुधरना चाहिए। अब पता नहीं लगता अस्पताल में कि कौन मरीज है और कौन कर्मचारी है, कौन मरीज है कौन डॉक्टर है, कौन मरीज है कौन डॉक्टर, क्योंकि मरीज को तो पता नहीं लगता जी जी। अब जब यूनिफॉर्म होगी सारों की, डॉक्टर की अलग, सारे स्टाफ की अलग, नर्स की अलग, लैब अटेंडेंट की अलग, चौकीदार की अलग, सबकी हमने डिजाइन करवाई है, जब सबकी अलग अलग वो होगी तो मरीज को भी देख के लगता है कि मैंने अपनी बात किसको कहनी है, किससे कहना है। और वैसे भी इससे बहुत डिसिप्लिन आएगा और बहुत इसमें सुधार होगा। मंत्री जी दिल से स्वागत करेंगे। बजट से क्या उम्मीद करें सर उनकी बात जनता? देखिए हमारी सरकार तो जनता हित की सरकार है और सारा हर वर्ग के हक का बजट पेश किया। ठीक है, थैंक यू। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।